नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में। दोस्तों, हाल ही में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का जिक्र किया था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी योजना है और इस योजना में 5 साल में पूरे 13,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है, जिसके तहत जो है 30 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। अब वो 30 लाख परिवार कौन से होंगे, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी बेटर पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे ऐसी यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है। दोस्तों, विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान प्रदान की जाएगी। योजना के तहत उन लोगों को 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में और 2 लाख रुपये दूसरी किस्त तक की ऋण सहायता दी जाएगी। ये ऋण सहायता देने का जो सरकार का मेन मकसद है, वो ये है कि ऐसे जो परिवार है जो पारंपरिक व्यापार गतिविधि में लगे हुए हैं, उनका जो है रोजगार और आगे बढ़े और उनको आर्थिक सहायता मिले। अब ऐसे कौन से लोग हैं, सरकार किन लोगों को इस योजना में शामिल करने वाली है, उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, योजना के तहत पारंपरिक व्यापारों को कवर किया जाएगा। उनमें बढ़ई, नाप बनाने वाले, शस्त्र बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कोयर वीवर, पारंपरिक तौर पर गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले लोग शामिल हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस योजना का शुभारम्भ कब से किया जाएगा। तो दोस्तों, सितम्बर महीने से, यानी सितंबर 2023 में विश्वकर्मा जयंती के दिन इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।